ये पल ऐतिहासिक है और मैं आपसे कहना चाहूंगा क्यों है। बहुत बार हमारे सिनेमा में लाइफ स्टोरीज, ट्रू लाइफ स्टोरीज दर्शाए गए हैं, लेकिन हमेशा जो भी वो इंसान है जो जीवित है, उनकी मुलाकात हमेशा हुई है उस आर्टिस्ट के साथ जिन्होंने वो किरदार निभाया। ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि रानी मुखर्जी ने ये किरदार निभाया है मिसेस चैटर्जी का, लेकिन उन्होंने कभी पर्सनली उनकी मुलाकात सागरिका से नहीं की थी। तो यू आर ऑल्सो वेरी क्यूट, डोंट वरी। एंड यहाँ इन दोनों को मिलाना, थैंक यू टू एम ए, टू जी, एंड लाइक ऑल ऑफ योर क्लैप फॉर सागरिका, शी इज द ट्रू हीरोइन। हाउ शी फॉर फॉर योर चिल्ड्रन सागरिका, आपको जब आपको अपनी जिंदगी की कहानी दिखाई गई तो हमने आपका रिएक्शन देखा, लेकिन आप कुछ कहना चाहते कि आपकी वो फीलिंग क्या थी? एक्चुअली मेरे साथ जो हुआ है, एक्चुअली जब मेरे बच्चे को उधर से उठाने गई थी, जो रिएक्शन रानी मैम ने दिखाया, वो मेरा पुराना याद पूरा वापस आ गया। और सबसे बड़ी बात ये मैं बोलना चाहती हूँ, एक मम्मी के लिए एक बच्चा सब कुछ है, और रानी मैम पूरी तरीके से उसको निभाया, और फिल्म में जो भी दिखाया गया वो बिल्कुल सही है। और आई डोंट हैव एनी वर्ड्स एक्चुअली, बिकॉज रानी मैम इज़ पोर्ट्रेटिंग माई कैरेक्टर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। इवन मैंने जब ये फिल्म देख रही थी, मैं इतना इमोशनल हो गई थी, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या बोलूं, मैं उसके अंदर में घुस गई, ऐसे लग रहा है कि मैं दौड़ रही और मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अभिज्ञान और ऐश्वर्या को ये फिल्म, आपके जो दोनों बच्चे हैं, आप कब दिखाना चाहोगे? मैं तो दिखाऊंगी, दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि पता नहीं है वो बच्चे भी रोएंगे देखने के बाद। नहीं, हम नहीं चाहते कि वो रोए, इनफैक्ट उनके लिए ये एक वाकई एक बहुत गर्व की बात है कि उनके घर में ऐसी एक माँ है जो आप हैं। आपको बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया भी करना चाहते हैं और आपको सम्मानित भी करते हैं, और आपको ये कहना चाहते हैं कि ऐसी माँ हर किसी बेटे को जन्म। थैंक यू करण सर। और मैं रानी से आखिर में ये कहना चाहूँगा कि रानी ने जिस तरह इस किरदार को दर्शाया है, निभाया है, बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो आंखों से, दिल से, अपने पूरे जिस्म को उस परफॉर्मेंस में डाल देते हैं, और रानी जो यू हैव डन, यू जस्ट ब्लू माय माइंड एज अ फिल्म मेकर। आई वुड लाइक टू टेक दिस मोमेंट, दिस वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट, टू स्पीक अबाउट द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड कॉन्टेंट क्रिएशन। एंड वी स्पोक अबाउट हाउ एनए हैज मैक्स्ड दैट टू परफेक्शन विद व्हाट दे हैव डन। I'd like to take a moment to talk about an illustrious studio, Z Studios, that is doing such incredible work in the zone of entertainment. To speak about our very, very talented and exceptional Ashim Achibra, who has actually told this story with so much beauty and nuance. So the two powerhouses of MA, I won't say three, because Nikhil also knows the real powerhouses lies in the two ladies, Madhu Bhojwani and Monisha Advani. I'd like them to be on stage with us, please. I'd like to call the exceptional filmmaker Ashim Achibra on stage. And I'd like to call the man with the vision himself, Charik Patel, CBO, Z Studios, for our final photo op for Mrs. Chatterjee vs. Norway, releasing worldwide on the 17th of March at a theater near you. Ladies and gentlemen, I give you the team, the real and real team of this exceptional film.